हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस विद अंजलि। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी, जो कि मैंने स्टार्ट की 85 kg से और आज मेरा वेट है 60 kg। सो, ये जर्नी मैंने कंप्लीट की अपने घर में ही। मैंने 25 kg रिड्यूस किए अपने घर में ही। मैं कभी भी कोई जिम नहीं गई, मैं कभी भी कोई फिटनेस क्लास नहीं गई। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, तो सबसे पहले ख्याल आया मुझे जिम का। लेकिन मैं एक मदर भी हूँ और मेरा एक 2 साल का बेबी भी है, और कभी भी मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया कि मैं या तो सुबह चली जाऊँ या इवनिंग में चली जाऊँ, मैं जिम जा ही नहीं पाई। लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर मैं अपना वेट रिड्यूस नहीं कर रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे अपना वेट कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने अपना वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले वॉक स्टार्ट कर दी। मैं वॉक करने लगी। मैं अपने बेबी को कैरियर बैग में हैंग कर लेती थी। मैं बेबी को आगे की साइड हैंग कर लिया करती थी। उसके बाद मैं इवनिंग में वॉक के लिए निकल जाती थी। मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती थी, बॉडी बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लग जाती थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। जितनी भी मिनट कर पाती थी मैं कर लेती थी, चाहे 5 मिनट्स हो रही है, चाहे 10 मिनट्स हो रही है। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा चलती थी, थोड़ा बैठ जाती थी, थोड़ा चलती थी, थोड़ा बैठ जाती थी, तो इस तरीके से मैं वॉक करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरा टाइम बढ़ने लगा। मैं 15 मिनट्स कर पाती थी, फिर मैं 30 मिनट्स कर पाती थी। फिर जब मुझे लगा कि वॉक से मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, तो फिर मैंने धीरे धीरे मॉर्निंग में भी, जब बेबी सो रहा होता था तो सुबह में मॉर्निंग में भी निकल जाती थी वॉक करने के लिए। सबने मेरे बेबी का नाम वॉकिंग बेबी नाम रख दिया था, क्योंकि वो मुझसे हैंग हुआ हुआ रहता था और वॉक कर रहा होता था अपनी मम्मा के साथ, तो सबने उसको वहाँ पे वॉकिंग बेबी के नाम से बुलाने लग गए। तो वो वहाँ पे वॉकिंग बेबी के नाम से फेमस हो गया, क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ वॉक करता था, तो लोग देख के थोड़ा खुश भी होते थे, वो इंजॉय भी करता था, काफ़ी हैप्पी रहता था जब मैं वॉक कर रही होती थी। चिड़चिड़ा या रो रहा ऐसा नहीं करता था, वो बहुत इंजॉय कर रहा होता था। तो लोगों ने उसका नाम खुशी में आकर के वॉकिंग बेबी नाम रख दिया, वॉकिंग बेबी, क्योंकि वो बहुत इंजॉय करता था। अब मेरे बेबी ने वॉक स्टार्ट कर दी थी, तो मैं वॉक करना मेरा बिल्कुल बंद ही हो गया, क्योंकि जब बेबीज़ वॉक स्टार्ट करते हैं तो वो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, वो एक जगह रहना ही नहीं चाहते। सो, वो कभी इधर भागता था, उधर भागता था, मैं उसे कैरियर बैग में डाल करके नहीं जा पाती थी वॉक करना। तो धीरे धीरे मेरी वॉक बिल्कुल कम हो गई, कम से फिर बंद ही हो गई। फिर मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूँ। उस समय मैंने 5 kg ही रिड्यूस किया था, वॉक से मेरा 5 kg वेट रिड्यूस हुआ था। फिर जब मेरी वॉक बंद हो गई तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मैं वॉक भी नहीं कर पाती थी, मैं जिम भी नहीं जा पाती थी, मैं नहीं कर पा रही थी कुछ भी अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। फिर मैंने सर्च किया कि मैं घर में रह के कैसे अपना वेट रिड्यूस कर सकती हूं। मैंने वर्कआउट सर्च करने शुरू कर दिए, मैंने डाइट प्लान सर्च करने शुरू कर दिए कि किस तरीके से मैं अपना जर्नी कंटिन्यू रखूं, और मैं अभी अपना और वेट रिड्यूस करना चाहती थी। सो, फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किए। मैंने बहुत ही हल्के फुल्के वर्कआउट से स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मैंने एकदम से लेवल इंक्रीज़ नहीं किया, मैंने लो लेवल के वर्कआउट स्टार्ट किए। धीरे 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 करके मैंने लेवल इंक्रीज़ किया। वर्कआउट के साथ साथ फिर मैंने अपना डाइट प्लान भी चेंज किया, क्योंकि ऐसा हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम आप इतना खाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी आप घी के लड्डू खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है कि आपको थोड़ा सा डाइट करने में और ये सब करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो, मैं भी इतना खाने लगी थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की, भूख लगती रहती थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि किस तरीके से मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ। तो मैंने अपना फूड जो था हेल्दी फूड में चेंज कर दिया, मैंने सारा जंक फूड अवॉइड किया, मैंने शुगर कट ऑफ कर दी, मैंने मैदा की चीज़ें खानी कम कर दी, मैंने राइस लेना बंद कर दिया। सो, अब धीरे धीरे मैं फूड पे भी आ रही थी कि मैं अपना फूड भी है जो अपना एक अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो करूं, और मेरे जिससे कि मुझे वेट लॉस में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस मिले। ब्रेकफास्ट में मैं पॉरेज ले लेती थी, कभी कभी मैं ओट्स ले लेती थी, कभी मैं चीला ले लेती थी। फिर स्नैक्स में जो लंच एंड ब्रेकफास्ट के बीच में मैं स्नैक लेती थी, मैं कोई फ्रूट खा लेती थी, कभी मैं सैलड बना के खा लेती थी। फिर लंच में मैं 2 चपातीज़ लेती थी,
मैंने अपना जो खाना था वो मैं ज़्यादा कम नहीं कर पा रही थी, बट मैंने ये किया कि मैंने सारा अपना खाना हेल्दी फूड में चेंज कर लिया। बाहर का खाना बंद कर दिया, घर में ही बना के खाती थी, सैलेड्स खा लेती थी। सो लंच में मैं 2 चपाती लेती थी, कोई वेजिटेबल ले लेती थी, दाल ले लेती थी, कर्ड ले लेती थी, और सैलेड तो मैं ले ही रही थी। उसके बाद जो शाम को स्नैक लेती थी मैं, उसको भी मैंने अनहेल्दी से हेल्दी स्नैक में कन्वर्ट कर दिया। मैं हेल्दी स्नैक्स खाने लगी, मैंने बिस्किट्स और जितनी भी मैं चुटुर पुटुर चीज़ें खा रही थी कि जो मिले वो मैं खा लेती थी, वो सब मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। डिनर में मैं सैलेड्स ले लिया करती थी, डिनर में हमेशा लाइट करती थी, और सोने से 1 घंटे पहले ले लिया करती थी। एंड फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल में बहुत सारे वेट लॉस और सैलेड की रेसिपीज़ ऐड की हुई है, आप चाहे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड आप ट्राई भी कर सकते हैं। वर्कआउट्स मैं सोचती थी मैं ये भी वर्कआउट कर लूँ, मैं वो भी वर्कआउट कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि एक दिन में मैं सारे वर्कआउट्स कर लूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने डेज़ और अपने वर्कआउट्स डिवाइड कर लिए। मंडे को मैं लोअर बॉडी वर्कआउट कर लिया करती थी, ट्यूसडे को मैं अपर बॉडी वर्कआउट करती थी, एंड वेनसडे को मैं टमी की एक्सरसाइजेस कर लिया करती थी, एंड थर्सडे को मैं प्लैंक कर लिया करती थी, एंड फ्राइडे को मैं कर लेती थी योगा, सैटरडे को मैं फुल बॉडी वर्कआउट कर लेती थी, और संडे को मैं छुट्टी ले लेती थी। संडे को फैमिली आउटिंग एंड मैं अपना फुल टाइम फैमिली टाइम ही स्पेंड किया करती थी। ये सब करने से मेरा वेट तो रिड्यूस हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था मेरी टमी, तो मुझे लग रहा है अभी भी कुछ टमी के लिए करने की ज़रूरत है। सो टमी के लिए मैंने योगा स्टार्ट करना शुरू किया। जब मैंने टमी के लिए योगा स्टार्ट करना शुरू किया तो काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव रिजल्ट रहा। सो टमी के लिए मैं स्पेशली बहुत सारे वर्कआउट्स और योगा कर रही थी, क्योंकि मम्मी टमी जब हो जाती है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जा करके कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जर्नी रही मेरी 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स में मैं 25 kgs कम कर लिया था मैंने 6 मंथ्स में। अब वर्कआउट मैं कैसे करती थी? वर्कआउट पहले तो मैं ऐसे करती थी जब मेरा बेबी सोता था उस समय मैं वर्कआउट करती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। जब बेबी सो रहा है तो आप सीधा वर्कआउट करने चले जाओ, आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको कुछ करना होता है, कभी घर का काम देखना होता है। सो धीरे धीरे मैं नहीं कर पा रही थी, मेरा बेबी सोता था तो मुझे कुछ और काम होते थे, मेरा वर्कआउट छूट जाता था। सो मैंने क्या किया, मैं बेबी के साथ ही वर्कआउट करने लगी। आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पे तो मैं बेबी के साथ कैसे वर्कआउट करती थी, आप ये भी देख सकते हैं। सो मैंने अपने बेबी के साथ ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा, वो 2 ईयर्स का हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सब तरह के वर्कआउट्स बेबी को गोदी में रख के या कैरियर बैग में डाल के कर लोगे। तो बेबी को मैं अपने पास ही रखती थी, वहीं पे मैं उसको उसके फेवरेट टॉयज़ दे दिया करती थी, वहीं खेलता रहता था, वो भी इंजॉय करता था। कभी कभी वो मुझे कॉपी करता था कि मम्मा क्या कर रही है, और इस तरीके से मैं अपने वर्कआउट करने स्टार्ट कर दिए। सो अब मेरा अच्छे से मैनेज होने लग गया था, अगर बेबी उठा हुआ भी है तो भी मैं वर्कआउट कर पाती थी, और अगर बेबी कभी कभी सो रहा है तो मैं तो भी वर्कआउट कर लेती थी। अब जब मैं पतली हो गई तो सब लोग मुझसे पूछने लगे कि आपने इतनी जल्दी कैसे वेट रिड्यूस कर लिया, आपने क्या किया, प्लीज़ हमें भी बताइए, क्या आपने फॉलो किया ऐसा जो आपका वेट रिड्यूस हो गया, सब पूछने लगे। सो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने घर में ही ये सब चीज़ें फॉलो करी, तो लोग बहुत इंस्पायर होने लगे कि किस तरीके से आपने इतनी जल्दी वेट अपना मैनेज कर लिया, वो भी आफ्टर बेबी। सो गाइज़, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया आप लोगों की हेल्प करने के लिए, किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप डाइट कर सकते हैं, आप कौन सा डाइट फॉलो करें, आप कौन सा वेट लॉस रेसिपी अपने डाइट में ऐड करें, ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में ऐड भी कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर ट्राई भी करें। एंड अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।